जी हाँ, गोरखपुर में महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन मिशन शक्ति के तहत किया गया। इस दौरान लोकसभा प्रभारी शिशुपाल सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि जनता में कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ा है। राहुल गांधी जी के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का दावा किया गया है, जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया, और ये महिलाओं के लिए बड़े सम्मान की बात है। इसके अलावा 6,000 महिलाओं के खाते में डालने का वादा भी कांग्रेस की महिलाओं के प्रति अच्छी सोच दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुझे लोकसभा प्रभारी के रूप में भेजा गया है और हमारे जितने भी कांग्रेस के संगठन हैं उनके साथ समन्वय करके और उन लोगों के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें विशेष तौर पर महिलाओं को आरक्षण देने का, महिलाओं के सम्मान का, मोदी जी ने तो बहुत बड़े वादे किए, बहुत बड़ी बातें की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को कहां से बचाओ, बचाओ तो आपके ही नेताओं से बचाओ। मैं माफी चाह रहा हूं, इस बात से बहुत भली भांति वाकिफ हूं। हम भी सोशल मीडिया में कई बार देखते हैं कि भाजपा के ये नेता हैं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में। अभी बीच में उत्तराखंड का एक भाजपा के विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ। अरे आप, जो महिला एक सम्मान के लायक है, वो एक इज्जत के लायक है, वो उनकी गरिमा का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये कांग्रेस के संस्कार में है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। सो जिस तरीके से 72,000 रुपया हर गरीब, 5 करोड़ करीब गरीब जो हिंदुस्तान में परिवार है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके जीवन यापन के लिए बहुत ही संवेदनशील है हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी, जिन्होंने बहुत गहराई से इस बात को लिया, सोचा। क्योंकि आगे की रणनीति तो बनी हुई है हमारी, हमारी महिलाओं में बहुत जोश है प्रियंका गांधी के आने से, और हम घर घर जाकर के उनको उनकी बातें बता रहे हैं जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला है महिलाओं के 33% आरक्षण को लेकर के, जो भाजपा ने नहीं दिया, जो राहुल जी के आने के बाद मिलेगा उनको, और हमारी सरकार जब आएगी तो उन्हें ज़रूर मिलेगा, वो अपना वादा ज़रूर निभाएंगे, उन्होंने हमेशा निभाया अपना वादा। हम महिलाएँ हैं और हम महिलाएँ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और हम उन्हें ले कर आगे आएंगे। देखिए, इसके लिए तो हम इतना वो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश पूरी है कि हम जैसे पहले कांग्रेस थी यहाँ पे यूपी में, और हम उसी तरह उनको जोश और खरोश से लेकर के आएंगे यहाँ पर।